हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं जानता हूँ आप सभी लोग मुंबई रिलीज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। स्पेशली GDC में मुंबई रिलीज का क्या हुआ, कैसा रहा शोकेस, गेम प्ले कैसा था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हो। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है ये मुंबई रिलीज अपडेट चैनल नहीं है, ये एक चैनल है जहाँ पे मैं गेम डेवलपमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं गेम डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर करता था, और आगे भी जाके मुझे ये चैनल का थीम वही रखना है। तो हर एक वीडियो में मुंबई रिलीज की अपडेट्स एक्सपेक्ट करना बंद कीजिए दोस्तों। वो इस वजह से मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मैं फेस हूँ मुंबई रिलीज का, गेमिंग स्टूडियोज के थ्रू हम लोग मुंबई रिलीज के बारे में बात करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड आप लोग में से कई सारे लोग मुझसे मुंबई रिलीज के लिए जुड़े हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ऐसा होता है कि यार मैं हर एक वीडियो डालता हूँ उसमें आप लोग मुंबई रिलीज की ही अपडेट्स जानना चाहते हो। तो जब अपडेट्स होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा डायरेक्टली मेरे साइड से, उसके रिलेटेड आपको मुझे हर बार वो चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो डालने के लिए मुझे देरी हुई दो रीजंस की वजह से। सबसे पहला रीज़न था, मैं GDC से इंडिया में आया ऑन द 28th ऑफ मार्च, रात को पहुंचा था, और वो पूरा वीकेंड था। 29th वाज अ फ्राइडे, 30 वाज सैटरडे, 31st वाज संडे, 31st मार्च को मेरा बर्थडे भी था बाय द वे। तो वहाँ पे मुझे एक्चुअली रिकॉर्ड करना था वीडियो ऑन आइदर फ्राइडे और सैटरडे टू पुट आउट ऑन 31st, बट 29th को आते आते कंपनी का इतना सारा काम था, 31st मार्च का क्लोजिंग था, कि यार मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया वीडियो रिकॉर्ड करने का। 31st मार्च को मैंने सोचा था कि सुबह वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, शाम को डालूंगा, बट वो नहीं हो पाया। आप लोग समझ सकते हो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, यूट्यूब मेरा फुल टाइम नहीं है। और आपको आई डोंट थिंक दुनिया में कोई भी ऐसा गेम डेवलपर CEO मिलेगा जो इतने फ्रीक्वेंटली अपडेट्स देता है। अब उसके बारे में भी मुझे आपसे बात करना है, क्योंकि मैं गेम के बारे में इतने फ्रीक्वेंटली अपडेट्स देने लग गया था, उसकी वजह से हुआ ऐसा था कि यार बहुत सारे लोग टाइम टू टाइम एकदम लिटरली हर दिन मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं मुंबई रिलीज के बारे में कुछ ना कुछ बात करूं। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, जब कुछ तगड़ा अपडेट होगा मैं मेरे साइड से आपको बताऊंगा। अब सेकेंड रीज़न, पहला रीज़न तो मैंने बोला वो टाइम का थोड़ा सा मारामारी हो गया था, सेकेंड रीज़न ये है, जब हम GDC पे इस गेम को शोकेस कर रहे थे उस टाइम पे कई सारे लोगों ने गेम को देखा, और उनमें से कई सारे लोग इन्वेस्टर्स थे, पब्लिशर्स थे, जिन्होंने गेम के अंदर इंटरेस्ट दिखाया। अब क्योंकि उन्होंने वो इंटरेस्ट दिखाया, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे जो भी कॉन्वर्जेशंस उनके साथ हो रहे हैं वो हम काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखें। हम डायरेक्टली कोई भी चीज़ अभी हमारी एंड से दिखा नहीं सकते एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, प्राइमरली बिकॉज हमारा जो गेम है वो अभी नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्वर्जेशंस में पहुंच गया है। एंड एट दिस मोमेंट कोई भी कॉन्वर्जेशन हम लोग जो पब्लिक करते हैं दैट नीड्स टू बी केयरफुली पुट आउट। अब आप बोलोगे कि यार गेम तो आपका है यार, आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, आप क्यों डर रहे हो, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। डर कोई नहीं रहा है, हम बस केयरफुली ये सारी चीज़ों को प्लान आउट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हम पब्लिक के फीडबैक को देखते हैं, पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं पर हमको पता है एज अ कंपनी कि कहाँ पे क्या क्या मैसेजिंग पहुँचनी चाहिए, किस तरीके से पहुँचनी चाहिए, और कोई भी जगह पे रश नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग आप बोल रहे हो कि यार मुंबई रिलीज को अभी लॉन्च कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो आप सभी लोगों को एक ही स्टेटमेंट बोलना चाहता हूँ, रुको ज़रा, सबर करो। अब बात करते हैं GDC के अपडेट के बारे में। दोस्तों, क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, इसी वजह से मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अनफॉर्चुनेटली गेम प्ले नहीं दिखा सकता, उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है। बट इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि GDC के अंदर हमने जिस किसी को भी गेम प्ले दिखाया उनको काफ़ी पसंद आया। इनफैक्ट इसको मद्देनज़र रखते हुए ये देख लीजिए GDC में हमको क्या फीडबैक मिला लोगों से। It looks really cool. I think, representation is really important, and so, telling a kind of local story in a modern medium sounds really interesting. Thank you very much, Alexander. So I really like the build that you showed me, and I'm super excited to see what's in the future for Mumbai Girls. So I've been anticipating this game for a long, long time. Finally got to see and play a tiniest bit of demo. The game looks so promising, gets the nostalgic Mumbaiker out of me. So I'm really looking forward for this game. Thank you so much.
इतना ही नहीं दोस्तों, ये लोग का फीडबैक तो आपने देख लिया. हमारे बूथ के ऊपर शुहे योशीडा सन, जो मिस्टर शुहे योशीडा है, वो भी आए थे. ही इज़ वन ऑफ द की फिगर्स इन सोनी. उनको मैंने गेम प्ले दिखाया और उनको काफ़ी अच्छा लगा. इनफैक्ट जैसे ही उन्होंने गेम प्ले देखा, उन्होंने उनके मुंह से वाओ निकला. एंड फिर बाद में मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था, उन्होंने वो चीज़ रीट्वीट भी की. इतना ही नहीं, हम जब वहाँ पे GDC बूथ के ऊपर थे, अब मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंट हो गए रहेंगे कि यार गेम प्ले नहीं दिखा रहे हो, ये यार कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हम इतने टाइम से रुके हैं. तो यार दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत केयरफुली करनी पड़ती है. आई एम एट अ पोजिशन इन माई लाइफ जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ अच्छे से एग्जीक्यूट हो. कोई भी रश नहीं करना चाहता, कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लेना चाहता. एंड इसी वजह से जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक में डालते हैं, कहीं ना कहीं पे कभी ना कभी उसमें से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमको हर्ट भी करती है. इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने की वजह से हमारी तरफ कोई एक नेगेटिविटी आए. एंड स्पेशली एट दिस स्टेज जहाँ पे हम लोग के जो कॉन्वर्जेशंस चल रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ, पब्लिशर्स के साथ, दे आर एट अ वेरी डेलिकेट टाइमलाइन, डेलिकेट सिचुएशन. एंड वी नीड टू मेक श्योर कि अभी सब चीज़ अच्छे से एग्जीक्यूट हो. इसी वजह से देयर हैज बीन अ कॉन्शियस डिसीजन कि गेम प्ले हम रिवील नहीं कर रहे. बट एक चीज़ है जो मैं रिवील कर सकता हूँ, और वो है ये बुकलेट जो हमने दिखाया था GDC में, जहाँ पे हम लोग ने लोगों को वॉक थ्रू किया था कि गेम क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है. ये जो प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है वो यहाँ पे दिख जाएगा. ये इतने सारे पेजेस है, बट सबसे इंटरेस्टिंग पेज वो है वो लास्ट वाला पेज इस बुकलेट के अंदर का, जो एक मोर और लेस छोटा सा रिवील है हमारी एंड से ऑफ अ प्रॉपर डिटेल्ड मैप ऑफ मुंबई गलीज. सो दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो है दिख रहा है आपको, दिस इज द एंटायर एरिया ऑफ मैप. यहाँ पे आपको लेजेंड्स वगैरह भी दिख सकते हैं, बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट है. तो अभी के लिए फिलहाल मैं बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन रिवील कर सकता हूँ. इसके अलावा आई एम नॉट एट अ लिबर्टी टू टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स राइट नाउ. एंड दैट्स प्राइमरली बिकॉज सी दोस्तों, जब भी कोई एक गेम रिलीज साइकिल में रहता है या फिर डेवलपमेंट साइकिल में रहता है, उस टाइम पे द मैसेजिंग ऑफ दैट गेम शुड बी पुट आउट इन अ वेरी केयरफुल मैनर. एंड ये चीज़ हमने पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से सीखी. हम लोग जब भी कुछ रिवील करते थे उस टाइम पे, कभी कभी अच्छा फीडबैक आता था, कभी कभी अच्छा फीडबैक नहीं आता था. बट हमें एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जो फीडबैक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक फ्रॉम द पीपल हु आर क्लोजली एसोशिएटेड और हैव सीन और एक्सपीरियंस द गेम प्ले जो हमने GDC में किया. बट एज ऑफ दिस मोमेंट द गेम नीड नॉट बी क्रिटिसाइज्ड बाई द पब्लिक बिकॉज द गेम इज़ नॉट रेडी. इसी वजह से हमने जो भी फीडबैक मिला हमें GDC से या IGDC से, वो सारी चीज़ें हम लोग लेके टाइम टू टाइम गेम को इम्प्रूव करते रहते हैं. एंड अब जब गेम रेडी होगा तब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके, एंड तब तक हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग कोई भी एक फुटेज वगैरह रिवील करें, कुछ भी एक इमेजेस वगैरह डालें. क्योंकि एक चीज़ है दोस्तों, आप समझ सकते हो, हम कुछ भी डालें एट दिस मोमेंट लोग क्रिटिसाइज करेंगे. एंड इसके ऊपर अभी करोड़ों रुपए लगे हैं, लोगों के एफर्ट्स लगे हैं, लिटरली लोग काम कर रहे हैं इस गेम के ऊपर. सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कि उनके एफर्ट्स के ऊपर पानी ना फिरा जाए जब तक गेम रिलीज नहीं होता. तब तक एक बार गेम रिलीज होने के बाद आपको जितना जज करना है करो, आपको जो बोलना है बोलो, दैट इज़ फाइन. बट टिल द पॉइंट ऑफ टाइम द गेम इज़ नॉट आउट, इट इज़ रॉन्ग फॉर एनी वन टू पुट आउट एनी काइंड ऑफ मैसेजिंग कि ये मुंबई रिलीज ऐसा है वैसा है. एंड वो पास्ट में हुआ है, विच इज़ वाई कॉन्शियसली वी आर टेकिंग अ डिसीजन टू नॉट पुट आउट एनी गेम प्ले. राइट नाउ वी आर इन अ वेरी गुड पोजिशन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडिंग विद पब्लिशर्स. हम लोग को काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आया है फ्रॉम GDC. एंड एक और चीज़ हम लोग को पता चली है फ्रॉम दैट इवेंट कि दिस गेम इज़ अ ग्लोबल गेम. वाइल द गेम इज़ बींग मेड इन इंडिया, इंडिया में से बन रहा है, बट इसकी जो टारगेट ऑडियंस है दैट इज़ सिटिंग इन द वेस्ट, मतलब US और यूरोप में से इसकी टारगेट ऑडियंस है. इसी वजह से इंडिया में इसका जितना भी चर्चा हुआ है दैट इज़ गुड फॉर फ्रॉम अ पोजिशनिंग परस्पेक्टिव. मेरी जो ऑडियंस है वो इंडिया में ही बेस्ड है, बट गेम की जो ऑडियंस है वो बोलते हुए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, बट इंडिया में से इस गेम को शायद ज़्यादा लोग नहीं खेलेंगे. और अगर खेलेंगे भी तो मैं जो कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ वो देख के मेरे को थोड़ा सा डिसहार्टनिंग ऐसा लगता है कि यार गेम की प्राइसिंग को कम रखो, गेम हम खेलेंगे बट पायरेट करके खेलेंगे और वो सारी चीज़ें, राइट? तो वो पढ़ के थोड़ा बुरा लगता है, बट दैट इज़ द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन. दैन दैट इज़ जस्ट द ओवरऑल अपडेट.
सो इन एसेंस अगर मैं आपको सारी चीज़ें सम करने जाऊँ, मुंबई गलीस इज़ ऑन अ गुड ट्रैक, पब्लिशर्स के साथ डिस्कशन चालू है, जो अभी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर कर रहे हैं पब्लिशर्स के साथ दैट इज़ करंटली कॉन्फिडेंशियल, जब तक चीज़ें रेडी नहीं होती मैं आपको और चीज़ें नहीं बता सकता. दिस चैनल इज़ नॉट अ मुंबई गलीस अपडेट चैनल, दिस इज़ अ गेम डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन चैनल. तो अगर आप गेम डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखनी है, माई चैनल इज़ योर गो टू चैनल. मुंबई गलीस के रिलेटेड अभी नेक्स्ट अपडेट तभी आएगा जब कुछ और इंटरेस्टिंग होगा. हम लोग, मैं जानता हूँ आप लोग अभी डेमो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे, बट कीपिंग इन लाइट द करंट सिचुएशन, कीपिंग इन लाइट द कॉन्वर्जेशन दैट वी हैव विद सम ऑफ द ग्लोबल पब्लिशर्स आउट देयर, हमें ये गाइडेंस मिली है कि यू कैन वेट आउट ऑन द डेमो. आपको डेमो को इतना जल्दबाजी में रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है. अब आप लोग ये भी बोलेंगे जल्दबाजी कहाँ पे, पिछले 2 साल से 3 साल से गेम डेवलपमेंट में है तो जल्दबाजी कहाँ पे. तो दोस्तों ऐसे लेवल के गेम को बनने के लिए टाइम लगता है. आप अगर GTA 5 के लिए रुक सकते हो, अब ये एक और चीज़ बाय द वे, मैं जब ये बोलता हूँ कि आप GTA 5 के लिए रुक सकते हो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा गेम GTA 5 के लेवल का है, या फिर मैं अपने गेम को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ. कंपेरिजन दूसरे लोगों की तरफ से आ रहा है. मैं बोल रहा हूँ मुंबई गलीस इज़ अ यूनिक गेम. इट इज़ आर एफर्ट टू क्रिएट अ डबल ए और अ ट्रिपल ए टाइटल. It is not, you know, a competition to Grand Theft Auto 5. It is a game by its own. It has a soul of its own. तो please, जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि GTA 5 के लिए आप रुक सकते हो तो मुंबई गलीस के लिए भी रुकिए, ये जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब बस ये है कि ऐसे स्केल का गेम बनने के लिए टाइम लगता है एंड लगना चाहिए. अगर टाइम नहीं लेते, अगर ऐसे ही अनाप शनाप कुछ भी रिलीज़ कर देंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों से ही गाली पड़ेगी. एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी कॉन्शियसली एंड ट्रूली from the deepest bottom of our heart do not want. ठीक है. So दोस्तों यही था अपडेट. मुंबई के लिए काफ़ी अच्छे ट्रैजेक्टरी पे चल रहा है फिलहाल, एंड आपका सपोर्ट अगर रहे, आपकी अंडरस्टैंडिंग रहे तो और नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं. और नेक्स्ट जब भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा. विद दैट इन माइंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए. मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोज़ को मिस नहीं कर पाओ. मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ. इस वीडियो के लिए इतना ही. मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना.